मेरे टाइम में यहाँ पे जो है वो क्रिकेट की पिच हुआ करती थी, अभी ये इधर को कर दी है शायद। पठानिया सर, विधु मैम, अपने दोस्त आज भी कुछ लोग टच में हैं, कुछ छूट गए, लेकिन आज जब वो इस वीडियो को देखेंगे तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें जो हैं वो उनको एक एक करके याद आ जाएगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ, दिस इज़ क्रेजी ब्रदरहुड। सो दोस्तों, थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज का जो हमारा स्टेशन है वो है सरका घाट गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जो है। एक्चुअली कॉलेज के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं जो था वो यहीं पे पढ़ा हूँ, यहीं पे मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो की हुई है। मतलब मैं इस रास्ते से गुजरता रहता हूँ, हर महीने में निकल जाता हूँ मैं यहाँ से, तो जब भी निकलता हूँ तो दिल करता है कि कभी एक आधा चक्कर लगा लिया जाए, क्योंकि बाहर से जब देखता हूँ तो लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो गई हैं, और आप लोगों के दिल के भी बहुत करीब होगा जो यहाँ पे पढ़ चुके हैं या यहाँ से अब स्टडी करके अपनी अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो चलो आज दोस्तों करते हैं अपनी मेमोरी को फिर से रिकॉल सब कुछ, कि किस तरह से आपके टाइम में था, किस तरह से मेरे टाइम में था, और किस तरह का जो आज के टाइम में सरका घाट कॉलेज जो है वो बिल्कुल अपग्रेड हो चुका है। तो मैं आपके साथ अपनी बातें भी शेयर करूंगा, तो चलते हैं देखते हैं सरका घाट कॉलेज को। दोस्तों सबसे पहले जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊंगा उसी तरह से आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। तो मेन एंट्री का गेट था, हमारे समय में बिल्कुल छोटा सा हुआ करता था ये, और अभी तो काफ़ी बढ़िया से हो गया है। और ये वाला प्लेस जो आप देख रहे हैं, उस टाइम में यहाँ पे बाइक जो है वो हम पार्क करते थे, तो अभी जो है वो पार्किंग के लिए बहुत बढ़िया से वहाँ आप देख सकते हैं वो बन गया है पार्किंग के लिए। हमारे टाइम में इधर ही पार्किंग जो थे वो हम करते थे। और अगर मैं आपसे शेयर करूं तो अभी तो यहाँ पे देखो आप, ये मंदिर बन गया है। उस टाइम में ये वाला जो सारा ये जो बिल्डिंग पूरी बनी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं था उस टाइम में यहाँ पे। सिर्फ अगर आप स्टार्टिंग से देखें तो ये वाली बिल्डिंग हुआ करती थी और ये वाला ग्राउंड हुआ करता था। यहाँ पे जो है वो वॉलीबॉल की गेम चला करती थी। जब जिस दिन मैं एडमिशन लेने के लिए आया हुआ था, मैंने यहीं पे जो अपना वो फॉर्म जो था वो भरा था। और ये सेम प्लेस है, लेकिन आप देखें यहाँ जो ये गाड़ी खड़ी है जैन, इसी के साथ एक पानी का टैंक हुआ करता था जहाँ मुझे याद है, और हम यहीं पर टैंकी में पानी पिया करते थे। और आप देखेंगे यहाँ पे सब कुछ जो है वो चीज़ें बदल गई हैं। ये वाली ही बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं यही है पुरानी, और यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट और बॉक्सिंग के लिए जो लड़के प्रिपेयर करते थे वो यहीं पे खेला करते थे। और यस, ये वाली जो है वो चीज़ नई बनी हुई है। और इसके बाद वो जो आपको दिख रही है बिल्डिंग, ये वाली, ये मुझे लगता है म्यूजिक की क्लास के लिए हुआ करता था यहाँ पर, तो हम वहाँ से घूम के जो है वो उधर जाया करते थे। और कैंटीन अभी उधर चली गई है देखिए आप। और यहाँ जो है वो जब न्यू एंट्री हुआ करती थी कॉलेज में लड़कों की, तो उनकी जो वेलकम पार्टी या फेयरवेल वगैरह वो यहाँ पे ही हुआ करता था। और रास्ता ऐसा नहीं था बिल्कुल भी, एक पतली सी रास्ता जाता था, अभी तो काफ़ी बढ़िया से जो है वो कॉलेज हो गया है। और हमारे टाइम में कैंटीन यहाँ पर हुआ करती थी, बिल्कुल है यहाँ पर, अभी कैंटीन शायद शिफ्ट कर दी है वहाँ पर लाइब्रेरी के पास। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था बैठने के लिए, लेकिन अब ठीक है, यहाँ पे बैठने के लिए बढ़िया से हो गया है। और ये सब की लविंग बिल्डिंग, जिसको सारे पसंद करते थे, क्योंकि यहीं पे जो था वो मोस्ट प्रोबेबली सारी ही क्लासेस यहीं पे लगती थी। 2007 से 2010 के बीच में जो यहाँ पे पढ़े हुए हैं तो वो जानते होंगे, पठानिया सर, विधु मैम और भी हैं टीचर जो मैं एक्चुअली उनके नाम मुझे ज़्यादा याद हैं, क्योंकि ये लड़कों में मतलब ज़्यादा फेमस थे। मैम बहुत ही अच्छे से पढ़ाते थे और पठानिया सर ख़तरनाक थे। इसी बिल्डिंग में ये जो आपको दिख रहा है ये खिड़की, यहाँ से हम जो है वो फीस वगैरह यहीं से पे किया करते थे जब एग्ज़ाम के लिए देते थे। और ये वाला जो है वो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, यहाँ पर जो सारे प्रिंसिपल का ऑफिस भी अंदर ही है, और यहाँ पे ही सारा स्टाफ वगैरह बैठता है। और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, हाँ ये वाला स्टेज ही था पहले से, अभी थोड़ा जो है वो इसको पक्का कर दिया हुआ है। और क्रिकेट का ग्राउंड वैसा ही, ग्राउंड यहाँ का ज़बरदस्त है, मैं बोलूँ यहाँ पे मतलब
किसी भी तरह का कोई भी स्पोर्ट्स जो है वो कराया जा सकता है, क्योंकि बहुत ही बड़ा जो है वो ग्राउंड है। तो एक नज़र मैं आपको भी इस ग्राउंड को दिखाता हूँ। बच्चे खेल रहे हैं अभी भी, मेरे टाइम में यहाँ पे जो है वो क्रिकेट की पिच हुआ करती थी, अभी ये इधर को कर दी है शायद। और साथ में व्यू, वैसे कॉलेज जो है वो स्टार्ट 1985 से हुआ था, लेकिन 2010 आते आते भी बहुत सिंपल सा था सब कुछ, लेकिन 10 के बाद अगर 23 की बात करूँ मैं तो बहुत चीज़ें बदल गई हैं, नई बिल्डिंग्स बन गई हैं। अब तो मुझे आइडिया भी नहीं है कि ये वाली बिल्डिंग मैं किस ब्लॉक के लिए किस तरह से है। तो अभी ये वाली साइड से देख के अभी चलते हैं हम फेयरवेल पार्टी जहाँ पे हुआ करती थी, या उसके बाद परली साइड को नई कंस्ट्रक्शन जो है वो चल रही है, तो एक नज़र उसको भी देखते हैं, शायद आप उन दिनों को याद कर पा रहे होंगे। वैसे एक बात और भी थी, हमारा फेवरेट प्लेस जो था वो बैठने के लिए, जब ऑलरेडी मैं आपको मेंशन कर चुका हूँ कि ये बिल्डिंग थी ही नहीं, तो यहाँ पे ये वाला रास्ता हुआ ही नहीं करता था, सेंटर से था एक, तो यहाँ बैठा करते थे हम, और बस यहीं पे जो था वो सारा टाइम पास चलता था। चलते हैं, यहाँ तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, वो म्यूज़िक वाला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है, और यहाँ पे जो था वो फेयरवेल वगैरह की पार्टी हुआ करती थी। तो वैसे यहाँ पे उन्हीं लोगों को अलाउड था जिनकी पार्टी हुआ करती थी, लेकिन हम जो थे उनमें थे जो कोई भी पार्टी नहीं छोड़ते थे। पिछले वाली सीट अपनी हुआ करती थी, वहाँ टॉयलेट वगैरह यहाँ हुआ करते थे पहले। अभी तो भाई इस साइड को देखो आप, बढ़िया रोड बन गया है, और यहाँ पे ये बास्केटबॉल का कोर्ट जो था वो यहीं था, तो वो यहीं है, और यहाँ पे कैंटीन है, और ये भी यहीं है पुस्तकालय। तो ठीक है, बढ़िया हो गया बिल्डिंग, कैंटीन ब्लॉक अब तो बढ़िया हो गया, हमारे टाइम में कैंटीन इतनी बढ़िया थी ही नहीं। गर्ल हॉस्टल की भी व्यवस्था है आप देख सकते हैं, कॉलेज के बिल्कुल बगल में ही कन्या छात्रावास। तो आज कॉलेज में घूम के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, कुछ चीज़ें याद हो गई, कुछ चीज़ें जो मतलब आप खुद जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप ज़रूर रिकॉल कर पा रहे होंगे कि मैंने जो चीज़ें जहाँ जहाँ बताई मेमोरी में अभी भी चीज़ें जो हैं वो वैसे हैं, क्योंकि आपने 3 साल एक जगह पे लगाए हुए होते हैं और बहुत अच्छा टाइम आप लोगों के साथ स्पेंड किया होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उसके बाद जो है वो पंगे पड़ने शुरू हो गए, क्योंकि हमारे टाइम में जो था वो 75 अटेंडेंस का भी कोई चक्कर नहीं था, तो मतलब हो जाता था कुछ ना कुछ, अटेंडेंस शॉर्ट ही रहती थी, लेकिन ठीक है, मज़ेदार टाइम था, बहुत बढ़िया था। अपने दोस्त आज भी कुछ लोग टच में हैं, कुछ छूट गए, लेकिन आज जब वो इस वीडियो को देखेंगे तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें जो हैं वो उनको एक एक करके याद आ जाएगी। और मैंने अगर कोई चीज़ अलग जगह पे गलत जगह पे बता दी हो तो आप उसको कमेंट करके आप बता सकते हैं कि मैंने, अगर मैंने ठीक बोला हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि सब कुछ ठीक था, याद था मुझे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इस तरह के मज़ेदार वीडियो के लिए, और सरकाघाट कॉलेज आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। दिस इज़ क्रेजी ब्रदरहुड, बाय बाय।